तो एपिसोड 18 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जो सांप रहता है वो हमला कर देता है फैन पे, लेकिन फैन बड़े आराम से उसे पकड़ लेता है और उसकी तारीफ करते हो, कहते भाई कितना प्यारा है। और जो सुनने के बाद वो सांप बहुत ज़्यादा खुश रहता है। तभी फैन के सिस्टम में सवाल आता है कि हाँ आपके लिए एक नया फूड मिला है जो कि लगभग आपके कहीं आसपास ही है। आपके आसपास क्या रहे, आपके हाथ में या सामने तो आप पकड़ के खड़े हुए। ये जो सांप ने जज में बहुत ज़्यादा कमाल का लगभग सेकंड लेवल पर, और अगर आपने इसे खाया तो लगभग 3 दिन तक आपको भूख नहीं लगेगा। अगर आपको इसको खाना तो इसको आपको सूप बना के पीना पड़ेगा, मतलब सांप को सूप बना के पीना पड़ेगा, मजा आ जाएगा और आपका भूख भी मिट जाएगा। या फिर जो सांप है ना बहुत ज़्यादा खुश है कि हाँ भाई इन्होंने मेरी तारीफ की, भाई बाकी इंसान बुरे रहते हैं मेरी तारीफ कोई नहीं करता लेकिन इसने मेरी तारीफ की, आह भाई मजा आ गया। अतः यहाँ पे जो फैन रहते ना उसी लड़के से कहता है सुनो ना मुझे थोड़ी सी मजा चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगी? तो लड़की बोलते ठीक है हाँ मैं करने को तैयार हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है लगभग कुछ देर बाद उस लड़की के घर पर, और उस लड़के घर पर ना जो लड़की ना कमाल की खाना बना रही, कमाल को कमाल की एक सूप बना रही है। आपको समझ है वो सूप किस चीज़ का? जी हाँ सांप का सूप है, वो सांप का सूप वहाँ पर बना रही है। और फिर सीन शिफ्ट होता है लगभग कुछ देर पहले जब है ना उसने सांप पकड़ के लाया था, और सांप को सूप बनाने के लिए वो सांप निकालता है और चाकू निकालता है और सांप को काटने जाता है। जो देखे भाई सांप का भी दिमाग खराब के भाई ऐसे कैसे, भाई तू मेरी तारीफ कर रहा था, भाई तू मेरी तारीफ कर रहा था तो मुझे ऐसे कैसे काट सकता है? लेकिन तो भी फैन उसको चाकू से काटने जाता है, लेकिन क्या जो चाकू टूट जाता है। यहाँ पे सांप भी कहता है मतलब मन ही मन कहता है कि साला यार फालतू इंसान, इसने मेरी तारीफ की ना, मुझे लगा कि हाँ भाई मेरी सच में तारीफ करता है मेरे साथ खेलेगा, लेकिन भाई तू मुझे खाने आ गया ले भाई, लेकिन तेरा चाकू काम नहीं करेगा भाई, मैं कोई ऐसा वैसा सांप नहीं हूं भाई, मैं सेकंड लेवल का डेविल सांप हूं, डेविल सांप ऐसा नहीं कटने वाला हूं भाई, मैं सांप कटूंगा नहीं साला। यहाँ पे फैन भी सोचता अच्छा भाई ये चाकू से नहीं कटेगा कोई बात नहीं, हाथ से तोड़ के देता हूँ, अब हाथ में ले लेता तोड़ने के लिए। यहाँ पे सांप सोचता अरे यार मतलब चाकू से नहीं कटा भाई, आरे से नहीं कटूंगा, नहीं तलवार से कटूंगा। और इसे क्या लगता है भाई हाथ से मुझे तोड़ देगा, ये कुछ नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन हाथ से तोड़ देता है, हाथ से उसे तोड़ के रख देता है, दो टुकड़े कर देता है, दो क्या चार पाँच टुकड़े करता है और आराम से सूप में बनाने के लिए दे देता है कि हाँ भाई लो सूप बना के मुझे दो। इसको जो लड़के दिनों पर सूप वगैरह तैयार कर देती है, ला के दे देती है इन दोनों को, कहते कि लो भाई आराम से खाओ, सांप का सूप तैयार है और सच में बहुत ज़्यादा ये टेस्टी है। तो ये सुनने वाले दोनों ही बोलते क्या सच में टेस्टी है, क्या सच में अच्छा लगेगा, क्योंकि स्मेल तो काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो ये सुने तो लड़की बोलते कि हाँ सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, मुझ पर विश्वास करो मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। और सूप निकाल कर देने लगती है, दोनों भी लेते हैं, दोनों भी खुश है। उस लड़के से भी कहते कि हाँ तुम भी बैठो, तुम भी हमारे साथ खाओ। तो ये सुने तो लड़की मना कर देती, कहती है कि नहीं मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए बनाया, प्लीज़ तुम खाओ, मैंने पहले से खाना खा लिया, मेरा पेट भरा हुआ है। तो इसका दोनों बोलते अच्छा ठीक है, दोनों आराम से खाने तो खाते खाते दोनों बहुत ज्यादा खुश है, दोनों का पेट भरता है। यहाँ पे उनको खुश देखकर जो लड़के ना लड़की भी बहुत ज्यादा खुश होती है। उसके बाद शाम का समय हो जाता है, दोनों को वापस जाने का टाइम हो जाता है, इसलिए दोनों जाने वाले रहते हैं। और जाने से पहले जो लड़की है ना उनको है ना लंच में थोड़ा सा जो सूप बच गया था ना वो भी पैक करके दे देती है, जिस बात करें उनको भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वो भी लड़की का शुक्रिया करते हैं, कहते हैं आपको शुक्रिया तुमने हमारे लिए सबसे पहले सूप बना के हमें पिलाया, जो बच गया था तुमने हमारे को दे भी दिया, सच में इस बात का तुम्हारा बहुत शुक्रिया। लड़की बोलते नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अब तुम्हें जल्दी करना पड़ेगा, तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, बना हॉस्पिटल तुम्हें पक्का ढूंढेंगे। तेज सोने का तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, और तुमने जो सूप बनाया था सच में बहुत ज़्यादा कमाल का, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, उस बात का शुक्रिया। तुम्हारी जो बेटी थी ना उससे भी सच में रोज तुम इतना अच्छा अच्छा खाना खिलाता होगी तो तुम्हें उसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा। ये सुनो जो लड़की ना लड़के थोड़ी सी शांत हो जाते, उसके ना असल में कोई बेटी नहीं थी, उसने इनसे झूठ बोला कि नहीं भाई ये खाना खा लो, ये खाना मैंने बहुत अच्छा बनाया है, जो मेरी बेटी ना मेरी बेटी को भी बहुत ज़्यादा अच्छा खाने लगता है। लेकिन जैसे उनका मुझसे सुनते कि हाँ तुम्हारी बेटी भी बहुत ज़्यादा खुश होती होगी, इससे भी काफ़ी अच्छा लगता है, थोड़ा सा आँख में भी आंसू आ जाता है, कहते कि हाँ मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा खुश रहती है खाना खाने के बाद। उसके बाद दोनों पागल खाने के लिए जाने के लिए निकल जाते हैं, और जैसे जाने के लिए निकलते हैं ना इनके बाजू से चार बंदे गुजरते हैं, चारों के चारों ना फाइटर्स हैं, मतलब वही बंदे जिनका काम है सारे डेविल्स वगैरह यानी वो सांप और कुत्ते जैसे जानवर के साथ लड़ाई करने का। और लोग यहाँ पर उसी सांप को ढूंढने आए थे, उसी सांप को मारने आए थे। और जैसे इनका ध्यान फैन और सांप पर जाता है ना, और इनमें से एक बंदा थोड़ा सा घबरा जाता है, उसको थोड़ा सा डर लगने लगता है और सोचता है भाई इन बंदों के द्वारा ना मुझे थोड़ा सा खतरनाक एनर्जी महसूस हो रहा है, भाई मैं काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसे डर लग रहा है इनसे, लेकिन भाई इनसे डरने की क्या जरूरत है, भाई ये तो नॉर्मल लोग हैं, भाई इनसे डरने का कोई मतलब नहीं है, मेरा दिमाग पगला गया है। इसका जो सांप था ना सांप को लोग ढूंढने लगते हैं, सांप ने इनको कहीं भी नहीं मिलता, सांप नहीं मिलता, साथ ही उसका जो एनर्जी है ना एनर्जी भी इनको महसूस नहीं होता। ये लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं भाई ऐसे कैसे, भाई थोड़ी देर पहले हमें सांप का एनर्जी नहीं यहीं आसपास से महसूस हो रहा था, लेकिन अचानक से भाई अचानक से गायब कैसे हो गया? और एनर्जी तभी गायब होती है जब वो जानवर है ना मर जाता है, तो इनको ऐसा लगने लगता है कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है जो जानवर है ना पहले से मर गया है। इसलिए इनका जो लीडर रहता है वही लीडर जिसको बेहोश इन दोनों ने मिलकर कर दिया, तो उनको फोन करता है, हॉस्पिटल में फोन करता है और बताता है कि हाँ हम लोग उसको ढूंढ लेते, अचानक से गायब हो गया और अब उसका एनर्जी भी महसूस नहीं होता, ऐसा लगता है शायद वो मर गया। तो ये सुना लीडर कहता है भाई पागल होगा क्या, भाई सच में पागल होगा, भाई ऐसे कैसे मर जाएगा, वो कोई ऐसा वैसा जानवर नहीं था, वो बल्कि सेकंड लेवल का एक डेविल बीस्ट था, भाई सेकंड लेवल का बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं मार सकते, और हमें से किसी बंदे ने मारा नहीं, अगर किसी बंदे ने मारा था ना तो मुझे फोन करके बता देता कि हाँ भाई वो बंदा मतलब वो जानवर है ना मर चुका है, लेकिन भाई मुझे किसी ने नहीं बताया, मतलब है ना अभी भी जिंदा होगा, हो सकता है इस एरिया से बाहर निकल गया होगा, जिस कारण उसका एनर्जी महसूस नहीं हो रहा, इसलिए भाई अभी भी तुम हार मत मानो, आसपास जो भी है ना उसे आराम से ढूंढो यार, आसपास किसी ना किसी एरिया में छुपा रहेगा, इसलिए यहाँ से निकलो और दूर एरिया में जाकर ढूंढो यार, आसपास नॉर्मल इंसान भी है, अगर जी मतलब जो सांप है ना अगर इसी घूमता रहा तो
ऐसा नॉर्मल लोग को मारेगा, तुम ऐसा पागल ऐसे काम मत करो, जाके अच्छे से ढूंढो। तब उसके कमरे में, मतलब उसी वार्ड में आ जाते दोनों, और दोनों ने मतलब वो खाना वगैरह लाया था, सांप का सूप जो बचा था ना वो भी लेके आते, और लीडर से बोलते देखो हमने तुम्हारे लिए खाना लाया है, अगर तुम्हें खाना खाना है तुम खा सकते हो, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी है, सच में हमने खा के देखा है। और दोनों खाने का जो डब्बा रहता है ना उसे खोल के दिखाते भी, और जैसे खोलते ना अंदर से ना स्मेल आती है, सांप का स्मेल आता है, जो देखने के बाद ना ये लीडर समझ जाता है अच्छा वो सांप है ना, इन्होंने खाया है, और जो उसे चिल्लाते इनकी माँ का, और जिन बंदों ने इन्हें फोन किया था ना वो भी सुनता है भाई इनकी माँ का, भाई हमें गाली क्यों दे रहे, भाई हमें क्यों गाली दे रहे, भाई हमारे द्वारा बच्चे निकला, इस बात में गाली देने की कोई जरूरत नहीं, भाई कैसे लीडर भाई अपने मतलब बच्चों को गाली देते, भाई ऐसा कोई लीडर थोड़ी ना होता है। इसके बाद सीन शिव था वापस हॉस्पिटल में, जहाँ जो भी बच्चों को जो खाने लो लाया था ना, ये दोनों बैठ कर आराम से खाते, और खाते खाते कहते कि हाँ ये सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, उस औरत ने बहुत ज़्यादा अच्छा से खाना बनाया है, और हमने जो ये बांधा ना सामने एक आका अंधा, इससे भी हमने बोला था कि हाँ भाई ले बेटा तू भी खा ले, लेकिन इसने मना कर दिया, कितना अनलक्की बेचारा, इतना टेस्टी चीज़ से खाने को मिलेगा ही नहीं। और यहाँ पर जो लीडर रहता ना उनसे सवाल पूछ सके मुझे ये बताओ तुमने उनको मारा कैसे, और यहाँ पर जो लीडर रहता ना उन दोनों से सवाल पूछ सके मुझे ये बताओ तुमने उसको मारा कैसे, मुझे मालूम है तुम एक सांप को सूप पी रहे हो, तो भाई मुझे बताओ सांप को तुमने कैसे मारा था। और इसके माइंड में रहता कि हाँ भाई जो सांप ना कोई ऐसा वैसा सांप नहीं है, वही सांप है जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे, मतलब सेकंड लेवल का एक सांप है, एक डेविल बीस्ट है, पहले उन्होंने एक सेकंड लेवल के कुत्ते को मार के खा गया, उसके बाद सांप को भी मार के लोग खा गए, भाई यार कुछ भी मिलता है लोग सीधे मार के खा क्यों जाते हैं। इसको इन दोनों जवाब देते हो कहते कि हाँ वो सांप ना यार सांप हमारे पास आया था, बहुत ज़्यादा प्यारा सांप था, आया जो हमारा हाथ है ना हमने हाथ आगे किया और धीरे धीरे चल के ना हमारे हाथ पर लिपटने लगा, और बाद में खुद गया, खुद को उसने टुकड़े कर लिया और सूप में जाकर गिर गया, और हमारे लिए उसने सूप तैयार किया, मतलब सच में कितना कमाल का दफा है, खुद से जाकर अपनी जान ले ली, हमारे लिए सूप तैयार किया, ऊपर से यार कितना प्यारा कितना अच्छा मतलब सांप था यार, और ये सब जो सांप का आत्मा ना वो भी सुनता वो भी चिल्लाता सालो ऐसा कुछ नहीं होता, तुमने खुद मेरी जान ली थी और बाद में आराम से मेरा सूप बना के पी गए थे, और बाजू में जो कुत्ते का आत्मा ना उसे भी शांत करता, कहते कि हाँ भाई शांत हो जाए भाई, ये इंसान दोनों ऐसी है भाई सेम ऐसा कर दे, इन्होंने सेम कांड भी मेरे साथ किया था, सेम कांड तेरे साथ भी हो गया, ऐसा समझ भाई हम दोनों भाई भाई जैसे हाथ एक भाई, दोनों भाई स्वर्ग में भी आके वापस मिल गए। और ये सारा बात सुनने वाला जो लीडर है ना इन पर फिर से गुस्सा करता है, फिर से चिल्लाता कहता भाई मेरे दिमाग में यहाँ पे सी लिखा हुआ क्या, तुमने मुझे सच में पागल समझ के रखा है, भाई जब सवाल पूछो कि हाँ भाई तुमने कैसे मारा था कोई फालतू जवाब भी देते हो, कहते हो कि हाँ भाई खुद से आया था खुद ही मर गया, हमारा खाना बन गया, भाई तुम्हें क्या सच में लगता है मैं इतना पागल हूँ, अगर अगली बार तुमने ऐसा कोई सेम कांड किया और मुझे ऐसा फालतू सा रीजन दिया ना तो कसम खा के कह रहा हूँ जो बिल्डिंग है ना ये बिल्डिंग है खिड़की से मैं यहाँ से कूद जाऊंगा, सबको मालूम है इस बिल्डिंग की खिड़की में जो कमरा है ना कमरे का तुम्हें दोनों थे तुम पे शक हो जाएगा तुम पे पुलिस केस हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों भी देखते अरे बाप रे इसको क्या होगा भाई इतने गुस्से में कैसे है, तो जांगे ना फैन से कहते भी अरे भाई क्या हो गया भाई इतना गुस्से में क्यों आ गया, ये सुने था ना फैन उससे कहता अरे भाई मैंने सुना जो हमारे प्रेसिडेंट जी है ना उन्होंने कहा जो पागल लोग रहते ना पागल लोग हमेशा गुस्सा करते हैं, तो ये भी तो पागल ही इसलिए गुस्सा कर रहा है, ये सुने जांग बोलते अरे यार भगवान करे कि जल्दी ठीक हो जाए, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा यार बेचारा पागल हो गया यार भगवान इसको ठीक कर ले। यहाँ पे मतलब ये लीडर है उसको और गुस्सा आता सोचता भाई फिर से भाई चैप्टर के एंड में फिर से इसने मेरी बेइज्जती कर दी, ये मुझे पागल बोल रहा भाई दोनों मतलब दो पागल लोग मुझे मिलकर पागल बोल रहे भाई क्या बेकार नसीब है। अरे चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।